हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों दोस्तों, जैसे कि डीएड एससी आईडीडी सेकेंड ईयर की क्लासेस कर ही रहे हैं और आज भी हम कोर्स 12 पर बात करेंगे। कोर्स 12 में हमारा टॉपिक रहेगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग असेसमेंट, यानी कि योजना आकलन में कौन कौन से चरण शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से चरण हैं जो हम योजना आकलन में शामिल करेंगे या शामिल होना चाहिए। ठीक, तो प्रश्न आपका इस तरीके से आएगा कि योजना आकलन से आप क्या समझते हैं, वह योजना आकलन में शामिल होने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा एग्जाम में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं योजना आकलन क्या है। चरण से पहले हम देखेंगे कि योजना आकलन क्या है, यानी कि प्लानिंग असेसमेंट क्या है। ठीक, योजना आकलन की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना शिक्षण लक्ष्यों पर केंद्रित रहे, यानी कि योजना आकलन की एक प्रक्रिया है वह सुनिश्चित करती है कि परियोजना शिक्षण लक्ष्यों पर केंद्रित रहे, यानी कि जो हमारी प्लानिंग हो रही है, ठीक है ना, जो हम योजना बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षण पर केंद्रित रहे। जो शिक्षण के हमारे लक्ष्य चुने गए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उस पर हमारी परियोजना केंद्रित होनी चाहिए, और इसे परियोजना गतिविधियों और कार्यों से पहले विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं कि योजना आकलन तब करेंगे जब हम गतिविधि या परियोजना जो है किसी कार्य को करने से पहले ही हम इसकी योजना बना लेंगे किसी बच्चे या व्यक्ति के बारे में, क्योंकि परियोजना कार्य व्यक्तिगत सीखने की सॉरी परियोजना कार्य व्यक्तिगत सीखने की व्यापक अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। यानी कि परियोजना क्या है, किसी व्यक्ति की व्यापक सीखने की व्यापक अभिव्यक्ति देती है। कैसे, हम किसी स्टूडेंट के बारे में कैसे जानते हैं दोस्तों? जब हम कभी स्कूल जाते हैं या अपने बच्चों को लेकर जाते हैं या हम कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, हमारी डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा हमने अब तक सर्टिफिकेट लिए होंगे, सर्टिफिकेट हमने हमारे पास होंगे, वही होता है ना, एक प्रमाण होता है हमारे पास, तो वो हमारे एक्सप्रेस करते हैं हमारे एजुकेशन को, ठीक है, हमारे डिप्लोमा को, हमारे डिग्रीज को। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि परियोजना कार्य व्यक्तिगत सीखने की व्यापक अभिव्यक्ति की अनुमति देती है, इसीलिए आकलन रणनीतियों को शिक्षार्थी के काम की एक क्षमता की एक श्रृंखला को समायोजित करने के लिए पर्याप्त खुला होना चाहिए। वो कह रहे हैं आकलन रणनीतियों को शिक्षार्थी के काम के एक श्रृंखला को, काम जो बच्चा काम करता है उस श्रृंखला को समायोजित करने के लिए पर्याप्त खुला होना चाहिए। पर्याप्त खुला होने से मतलब ये है कि उसमें हर चीज वेरीफाई होना, क्लियरफाई होना चाहिए, ताकि हम कोई भी परियोजना उठाकर या कोई भी उसकी योजना कार्यक्रम उठा के देखे तो हम उस बच्चे के बारे में जान सकें कि उस बच्चे के लिए क्या समस्या है, उस समस्या के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, क्या हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, क्या सेवाएं दे रहे हैं, उनके सेवाओं के साथ साथ क्या चल रहा है, उसके कौन सा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक, कह रहे हैं योजना आकलन में किसी बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करना है। कह रहे हैं योजना आकलन में किसी बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करना है। अगर दो नंबर में प्रश्न आता है कि योजना आकलन को परिभाषित कीजिए, एक नंबर में उसका आंसर देखिए, एक लाइन में आकलन में किसी बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करना ही आकलन कहलाता है, याद रखना। ठीक, कह रही है आकलन जानकारी एकत्र करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बच्चे का अवलोकन, परिवार के साथ साक्षात्कार, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल्स का उपयोग, औपचारिक अनौपचारिक मानकीकृत परीक्षण शामिल है। ठीक, कह रही है आकलन संबंधी जानकारी बच्चे को विशेष सेवाओं के लिए योग्य पहचानने, योजना निर्देश देने और प्रगति मापने के लिए उपयोगी है। वो कह रहे हैं कि आकलन जो है, आकलन संबंधी जानकारी बच्चे को विशेष सेवा के लिए, क्योंकि हम जब योजना बनाएंगे किस लिए बना रहे हैं, ताकि बच्चे को लाभ मिल सके, तो बच्चे को अच्छे से सेवा मिल सके, ठीक है, उसे किस चीज की आवश्यकता है वो जान सके, उसको पहचानने के लिए और किसी एक योजना निर्देश देने के लिए और उसकी प्रगति को मापने के लिए उपयोगी है या किया जाता है। ठीक है, अब योजना आकलन के कौन कौन से चरण है दोस्तों, इसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला चरण है चाइल्ड फाइंड, यानी कि बच्चे को जांचना या खोजना, ठीक है, या बच्चे की खोज, चाइल्ड फाइंड सबसे पहला है, जिसे चाइल्ड फाइंड कहा जाता है। ठीक है, बच्चे की खोज,
ठीक है, यह उन बच्चों को पता लगाने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है या प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिन्हें प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवा और कार्यक्रम की आवश्यकता है। यानी कि उन बच्चों के लिए, सीधा सीधा कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, या उन बच्चों के लिए संदर्भित करता है जिन्हें प्रारंभ अगली इंटरवेंशन की और अगली इंटरवेंशन सर्विसेज की आवश्यकता है, जिन्हें विशेष आवश्यकता है की आवश्यकता है। यह कह रहे हैं यह समुदाय में उन छोटे बच्चों को पता लगाने के लिए जिन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है उन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है। कह रहे हैं ये समुदाय में उन छोटे बच्चों को पता लगाने के लिए जिन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, कौन से बच्चों को, वो कह रहे हैं ना उन छोटे बच्चों को यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, उन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। कौन कौन से कह रहे हैं, सार्वजनिक एजेंसियों और संगठनों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता निर्माण करना, रेफरल के लिए प्रणाली स्थापित करना, ठीक है, उन जो बच्चों की हमने समुदाय में पहचान की है उन बच्चों को ढूंढना है, खोजा है, उन बच्चों के लिए सार्वजनिक एजेंसियों और संगठनों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता की जरूरत है, जागरूकता निर्माण करने की जरूरत है, उनको रेफरल करने की जरूरत है और प्रणाली के लिए स्थापित करने की जरूरत है। नेक्स्ट कह रहे हैं जिन बच्चों को स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता है, उनके लिए समुदाय में प्रचार करने और रेफरल स्रोतों के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक, दूसरा चरण है हमारा विकासात्मक स्क्रीनिंग, ठीक है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, ठीक है, बच्चे के विकास के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने और किसी भी संभावित समस्या का पता लगाने के लिए एक सरसरी विधि है। स्क्रीनिंग क्या है, दो नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, स्क्रीनिंग को परिभाषित कीजिए कैसे करेंगे, सबसे एक लाइन में इसका आंसर है, बच्चे के विकास के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी और किसी भी संभावित समस्या का पता लगाने के लिए एक सरसरी विधि स्क्रीनिंग कहलाती है। स्क्रीनिंग का उद्देश्य है व्यापक निदान करना या बच्चे को पहली बार त्वरित रूप में दिखाने का अवसर देती है, यानी कि जो बच्चे की समस्या है या जिससे ग्रसित है, चाहे वो बीमारी हो, विकार हो या विकलांगता हो, उसको दिखाती है। ठीक, तीसरा चरण है हमारा निदान यानी कि डायग्नोस करना। निदान की प्रक्रिया में जानकारी साक्षात्कार, केस हिस्ट्री और औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, निदान क्या है, कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे, देखिए कहाँ से जानकारी बच्चे के बारे में, इंटरव्यूज हो गए, केस हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, नॉन फॉर्मल करा रहे, नॉन फॉर्मल टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं नॉन रिफरेंट टेस्ट भी हो रहा है इसमें, कह रहे हैं परीक्षक बच्चे की कठिनाइयों की प्रकृति, समस्या की गंभीरता और बच्चे की ताकत और कमजोरियों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं निदान में। यह निदान एक बहुविषयक टीम के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौथा चरण है इसका कार्यक्रम और हस्तक्षेपों की व्यक्तिगत योजना बनाना। कह रहे हैं आकलन के इस चरण को बच्चे के प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के वास्तविक पाठ्यक्रम से निकटता से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम आधारित या मानदंड संदर्भित उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से सोचेंगे, पढ़ेंगे इसको, क्या कह रहा है ये कि आकलन के इस चरण में बच्चे के प्रारंभिक हस्तक्षेप और कार्यक्रम के वास्तविक पाठ्यक्रम की निकटता से, उसके पास से, या हम कह सकते हैं उसको शामिल करने से या जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम आधारित मानदंड संदर्भित उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्री स्कूल बच्चों के लिए नियोजन प्रक्रियाओं में जिन क्षेत्रों पर विचार किया जाना है, कौन कौन से वे क्षेत्र हैं, संवेदी यानी कि सेंसरी डेवलपमेंट, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, और कह रहे हैं सकल मोटर विकास यानी कि उनका ग्रॉस मोटर, ठीक है, और ज्ञान कौशल, ठीक है, इंटेलिजेंट स्किल्स हो गए, उनके अडेप्टेशन हो गए, इन सभी पे। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है चरण पांचवा, ठीक है, स्टेप फाइव देखिए, कार्यक्रम की निगरानी। बच्चे की हस्तक्षेप कार्यक्रम में रखे जाने के बाद, जब बच्चा हस्तक्षेप कार्यक्रम में रखा गया है उसके बाद महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे की प्रगति लगातार निगरानी की जाए, यानी कि जो बच्चे की प्रोसेस चल रहा है उसमें वो कितनी प्रगति कर रहा है, ठीक है ना, कितना सीख पा रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना।
एकाधिक जांचों में अवलोकन विकासात्मक जांच सूचियों और रेटिंग स्केल शामिल है, यानी कि इसमें बहुत सारी विकासात्मक जांच भी बता रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंटल टेस्ट भी इसमें करेंगे, रेटिंग स्केल्स भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या व्यक्तित्व परिवार सेवा भी शामिल योजना होगी IFSP। ठीक है, फिर कह रहे हैं इस पर लक्ष्य और प्रगति को पूरा ध्यान दें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा छठा, कौन सा है हमारा स्टेप 6 कार्यक्रम मूल्यांकन, यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन। स्वयं हस्तक्षेप का कार्यक्रम का मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारा हम कर रहे हैं इंटरवेंशन, उस कार्य का मूल्यांकन करना भी हमें बहुत जरूरी है, ताकि कार्यक्रम मूल्यांकन बच्चों की प्रगति और समग्र हस्तक्षेप कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्योंकि एक पता चले क्या जो हम कर रहे हैं कार्य, जो बच्चे के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसका हम हस्तक्षेप कार्यक्रम बना रहे हैं, उसका मूल्यांकन इसलिए जरूरी है, क्या वो उद्देश्यपूर्ण है बच्चे के लिए, क्या व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्या वो ठीक है, उचित रहेगी या नहीं रहेगी। हस्तक्षेप कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करना आवश्यक हो सकता है। ये 6 चरण थे हमारे किसके, योजना आकलन के चरण। 2 नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि योजना आकलन के चरण तो आपको पता होना चाहिए, चाइल्ड फाइंड हो गया, विकासात्मक स्क्रीनिंग हो गया, निदान हो गया, और कार्यक्रम और हस्तक्षेप की व्यक्तिगत योजना बनाना, कार्यक्रम की निगरानी और कार्यक्रम मूल्यांकन, 6 आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका ये क्वेश्चन। बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।